आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी को गुजरात बार बार क्यों जाना पड़ रहा है, आखिर 150 से अधिक नेता गुजरात क्यों पहुंच रहे हैं, स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ पहुंच जाते हैं, ऐसा कोई राज्य नहीं बचा है जहां का मुख्यमंत्री गुजरात नहीं जा रहा है। आप ये सोचिए, 3 बार से ज्यादा, लगभग 12-14 बार नरेंद्र मोदी खुद पहुंच चुके हैं। उसके पहले पूजा मंत्र के लिए पहुंचते हैं, हिंदुत्व की बात करने के लिए पहुंचते हैं। एक तरफ बीजेपी कहती है कि गुजरात हमारा गढ़ है, गुजरात को हमने बनाया, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गुजरात को मैंने बनाया है, अमित शाह कहते हैं कि गुजरात के लिए जो काम कर सकता है, जो खड़ा हो सकता है वो नरेंद्र मोदी। आप ये देखिए, हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर साफ तौर पर बोलते हैं कि इस बार जनता नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो भी चुनाव गुजरात में हो, हिमाचल में हो, छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में, कहीं पर भी क्यों ना हो, यूपी में क्यों ना हो, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर क्यों लड़े जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को बार बार क्यों पहुंचना पड़ रहा है। और ये समझिए, आपके योगी आदित्यनाथ भी गुजरात पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो आतंकवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और उनके साथ साथ तमाम बड़े नेता कहते हैं कि ये तो चवन्नी छाप है, वो तो झाड़ू छाप है। इस तरीके के बयान के ये बयान जरूरी है या फिर मुद्दों पर काम करना जरूरी है या फिर जनसंपर्क जनसंबोधन में मुद्दों पर बात करना जरूरी है। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं शाहजीब। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजीब, आपने मुझे समय दिया। मैं आपसे सवाल ये करने वाला था कि मैंने जो जिक्र किया है कि जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, हर एक राज्य में आपने देखा होगा सिर्फ उनके नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। आप ये सोचिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी ये दावा करते हैं गुजरात मैंने बनाया है, दूसरी तरफ ये दावा करते हैं कि गुजरात मेरा गढ़ है, गुजरात के वोट तो मुझे ही मिलेंगे। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि 150 से अधिक नेता वहां पहुंच चुके हैं, नरेंद्र मोदी कम से कम 12-14 बार पहुंच चुके हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर के बात है, उसके बाद नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए तमाम रणनीतियां जो है वो अपना ली है चुनाव से पहले। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो वो गुजरात पहुंच गए, हिमाचल पहुंच गए, गुजरात का तो दौरा कर ही रहे हैं, गुजरात में एम्बुलेंस को रास्ता भी दे दिया, वीडियो भी बना दिया, वीडियो सोशल मीडिया पर डाल भी दिया, मतलब जो चुनावी रणनीति जो होती है भाजपा की, तमाम चीजें कर ली, बस एक ही चीज बाकी रह गया कि मन की बात में अभी आकर के रोए नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बस रो देंगे, चुनाव की सारी तैयारी पूरी हो जाएगी। 6 दिन, मैं तो कहूंगा कि 6 दिन अभी बचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि कोई रिस्क मत लीजिए, आप लोग रो दीजिए पहले, आप नहीं तो कोई भी रिस्क लीजिएगा तो कांग्रेस बाजी मार गई, 27 साल की जमाई हुई जमीन आपके हाथ से निकल जाएगी। थोड़ा टोकूंगा आपको, एक सवाल मैं इसमें ऐड करूंगा, आप बहुत अच्छा जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि नरेंद्र मोदी तो पहुंच ही गए, साफ तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि छोटे नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए, यानी कि योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए, इनकी जाने की क्या जरूरत थी, इतने बड़े नेता हैं, भूपेंद्र पटेल हैं, इनके साथ साथ अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, तमाम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का पहुंचना क्या जरूरी था? देखिए गुजरात को इन्होंने संघ का, समझे, संघ का और हिंदुत्व का एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट रैट बना दिया है गुजरात को। गुजरात में शुरुआती दौर से जिस तरीके से नफरत फैलाई गई है 2002 के बाद से, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऋतिक, तो लगातार जो है देश में उपद्रव, आज वो एक राज्य से शुरू हुई थी वो चीजें और आज पूरे देश में वो चीजें फैल गई है, हिंदू मुस्लिम समुदायवाचक लड़ाई, उसके बाद सिखों से लड़ाई, ईसाइयों से लड़ाई, ये आज पूरे देश का जो है मुद्दा बस यही बन गई है। मुद्दा कुछ और बनना चाहिए था, मुद्दा बनना चाहिए था बेरोजगारी, मुद्दा बनना चाहिए था महंगाई, अन्य चीजें मुद्दे बननी चाहिए थी, लेकिन मुद्दा यहाँ पर, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं इसमें आपको एक सवाल और ऐड करूंगा कि योगी आदित्यनाथ ने, नरेंद्र मोदी ने मौरीपुल हादसे के बाद जब रैलियां की हैं, जैसे कल की ही बात कर लो, उसके पहले की बात कर लो, तो एक भी बार हादसे का जिक्र नहीं किया, सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, भ्रष्टाचार बोल दिया उनको, आतंकवादी बोल दिया उनको, चवन्नी छाप बोल दिया उनको, झाड़ू छाप उनको बोल दिया, कांग्रेस पर निशाना साध लिया कि ये अपनी पार्टी तो संभाल नहीं पा रहे हैं, भारत जोड़ो जुड़ने को के लिए। मैं बता रहा हूँ, इस सवाल का जवाब आपको बता रहा हूँ। देखिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो घर है वो बहुत आलीशान है
और शीशे से बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें उनसे गलती क्या हो गई थी कि एक बार बंगाल पहुंच गए थे गलती से, और बंगाल में भाषण देते वक्त कह दिया था कि ये जो पुल गिरा है, वहां भी एक पुल गिरने का हादसा हुआ था ऋतिक, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो वहां पर पुल जब गिरा था तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये तो जनता को संदेश है कि अभी पुल गिरा है, ऐसे पूरा बंगाल डूब जाएगा, यानी लोगों की मौत पर भी सियासत की थी। तो अब अगर जरा सा भी मोरबी पे मुंह खोलेंगे तो चर्चा और तेज हो जाएगी, क्योंकि आप जानते कितने ज्यादा प्रसिद्ध हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋतिक, तो आप देखेंगे कि जरा सा भी अगर मोरबी पे वो बोलेंगे तो चर्चाएं तेज हो जाएगी। ओरेवा कंपनी को किसने दिया ठेका, आखिर ओरेवा कंपनी का घोटाला क्या है, उन ओरेवा कंपनी के मालिक पे के अलावा ठेकेदार और छोटे मोटे लोगों पर कार्रवाई हो रही है, पटेल समुदाय से आते हैं ओरेवा कंपनी के मालिक, और आपको अभी गुजरात में पटेल वोट बैंक पर काम करना है तो आप चुप्पी साधे हुए, तो ये सारी चीजें दोहरी सियासत समझ में आ रही है। अब बिल्कुल दोहरी सियासत समझ में आ रही है। मैं साफ तौर पर एक बात और कहना चाहता हूं यहां पर कि ये जो बयानबाजी चल रही है, आप देख सकते हैं कि एमसीडी के अंदर घोटाले हो जाना, इस पर अरविंद केजरीवाल को घेर लेना, उसके बाद आप देखते हैं कि सत्येंद्र जैन की दो जो वीडियो है वो सितंबर महीने की बताए जा रहे हैं, नवंबर में उनका वायरल होना, इसके बाद जो है तख्त टिप्पणी कर देना। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इसमें बीजेपी की साजिश अरविंद केजरीवाल को घेरने की, या फिर अरविंद केजरीवाल का जो है वो सियासत का जो एक ऊंचा पहाड़ शुरू हुआ था वो ढहने का काम शुरू हो जाएगा। देखिए अरविंद केजरीवाल, देखिए कोई भी नेता सियासत में सत्ता में रहता है तो सत्ता सुख भोगने का उसका बहुत मन करता है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, अपने आप को मिस्टर क्लीन क्यों ना दिखा दे। भले मिस्टर क्लीन की उपाधि राजीव गांधी को भी मिली थी जिस समय उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाया था, तो उस समय भी वहां पर देखिए मिस्टर क्लीन की उपाधि मिली, लेकिन जब मामले खुलने लगे तो उनके भी तरह तरह के स्कैम सामने आने लगे थे। तो वही चीजें यहाँ पर कि बिना भ्रष्टाचार के कोई भी भारत देश में तो कोई भी पार्टी जिंदा नहीं है, और अरविंद केजरीवाल पद का यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं, तिहाड़ जेल उनके कंट्रोल में आता है, इस वजह से तिहाड़ जेल। तो क्या इसमें बीजेपी की साजिश कुछ भी नहीं है? देखिए बीजेपी की साजिश नहीं इसे कह सकते, बीजेपी के लिए मौका है, मौका है कि मौका। लेकिन मनीष सिसोदिया तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को मारने की प्लानिंग की जा रही है। हाँ ये सब देखिए सेंटीमेंट के साथ ये सब खेलने की चीज की जा रही है, क्योंकि जिन लोगों को आदत दे दी गई है फ्री का खिलाने की, जिन लोगों को फ्री की रेवड़ी की आदत लग गई है यहाँ पर, उन लोगों को अगर बोला जाएगा कि आपको जो फ्री का सामान दे रहा है उसको कोई मारना चाह रहा है तो लोगों का सेंटीमेंट गुस्सा बढ़ेगा। तो ये चीजें अभी एमसीडी चुनाव को लेकर के ये तो काफी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। तो सहजीव ने साफ तौर पर आपको बताया है कि किस तरीके से राजनीति की खीर पकाई जाती है, किस तरीके से जो है शुद्ध राजनीति को विशुद्ध राजनीति की दास्तान में जो है राजनेता चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और खड़ा हो जाता है, गुजरात इलेक्शन जो कि बहुत नजदीक है, 1 और 5 दिसंबर को यहाँ पर चुनाव होने हैं और उसके बाद 8 को रिजल्ट आना है, तो यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पूरी ताकत झोंक रहे हैं गुजरात के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस की जो है हार पक्की है, अरविंद केजरीवाल की हार पक्की है? तो एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लूंगा शहजी, आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन पोल क्या होगा कि इस बार गुजरात में किसकी सरकार? मेरे आकलन अनुसार अगर पूछेंगे ऋतिक तो फ्रेम में अरविंद केजरीवाल नहीं है, कांग्रेस लड़ रही है चुनाव, कांग्रेस को सीट का घाटा होने वाला है, 10 से 15 सीट पिछले बार से घटेंगे, और भाजपा सरकार बनाने वाली, भाजपा सरकार बनाने वाली, लेकिन तो समय ही तय करेगा, वक्त ही तय करेगा कि आखिर गुजरात में किसकी सरकार होगी। देखिए शाहजीब का अपना ओपिनियन पोल था, उन्होंने आपके सामने रखा, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के अंदर बढ़ोतरी की है, सीटों की बढ़ोतरी की है, तो अब 5 साल के अंदर देखिए ऋतिक 5 साल के अंदर 19 विधायक कांग्रेस के जो है शामिल हो गए थे भाजपा में। बिल्कुल, ये भी उन्होंने साफ तौर पर आपको बता दिया, लेकिन अब तो ये समय तय करेगा कि कांग्रेस की सीट जो है घटेंगी या फिर बढ़ेंगी, या फिर कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी, या फिर बीजेपी जो इतिहास को कायम रखे है वो इतिहास फिर से जो है पूरी तरीके से चलेगा। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, एक कॉमेंट आपसे लेंगे कि क्या आपको लगता है कि इस बार गुजरात में फिर से बीजेपी सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस इस बार अपनी सरकार बना लेगी, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट, बहुत शुक्रिया।